न्यूज इंडिया, मैं अमोला शील शुक्ला इस वक्त की बुलेटिन में आपका स्वागत करते हैं। आपको बड़ी खबर बताते हैं, महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा उलटफेर। देवेंद्र फडणवीस ने ली सीएम पद की शपथ, अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद पर शपथ ली। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने दिलाई शपथ। कि उन्होंने फिर एक बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में मुझे सेवा करने का मौका दिया। मूल रूप से महाराष्ट्र की जनता ने एक बहुत स्पष्ट जनादेश दिया था, किंतु उस जनादेश को नकारते हुए हमारे साथ लड़ी शिवसेना पार्टी ने, हमारे साथ गठबंधन करने की जगह दूसरी ओर गठबंधन करने का प्रयास शुरू किया, और जिसके चलते महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। और महाराष्ट्र में कितना समय राष्ट्रपति शासन लागू हो, महाराष्ट्र जैसे एक अग्रणी राज्य को ये शोभा भी नहीं देता, और इसके चलते महाराष्ट्र को एक स्थिर शासन देने की आवश्यकता थी। कोई खिचड़ी शासन नहीं, जहां पर तीन ऐसी पार्टियां साथ में आ जाए और कोई सरकार बना दे जो चल भी ना पाए। और ऐसे समय मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता श्री अजीत दादा पवार जी का अभिनंदन भी करना चाहूँगा, उनका आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने ये निर्णय लिया कि महाराष्ट्र को एक स्थायी सरकार मिले। इस हेतु से वे भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे, हमारे साथ में कुछ अन्य लोग भी आए हैं, और इसके चलते हमने हमारा दावा आदरणीय राज्यपाल जी को पेश किया। उस दावे की पुष्टि करते हुए आदरणीय राज्यपाल जी ने माननीय राष्ट्रपति जी से अनुशंसा की कि राष्ट्रपति शासन वापस लिया जाए, और राष्ट्रपति शासन वापस लेने के बाद आज यहाँ पर हमको माननीय राज्यपाल जी ने शपथ का निमंत्रण दिया। मैंने और श्री अजीत दादा पवार इन्होंने शपथ ली है, मैंने मुख्यमंत्री पद के लिए है, उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद के लिए है, और मेरा विश्वास है कि महाराष्ट्र में एक स्थिर स्थायी इस प्रकार की सरकार हम लोग दे पाएंगे। आज सर्वात पहिल्यांदा मी आमचे नेते आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आमचे अध्यक्ष अमित भाई शहा आणि त्यासोबत तो से बता रहे हैं, जहां पर दूसरी बार डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है देवेंद्र फडणवीस ने। भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल ने यह शपथ दिलाई है, और डिप्टी सीएम अजीत पवार, डिप्टी सीएम की शपथ अजीत पवार ने लिया है। आपको हम महाराष्ट्र से खबर बता रहे हैं, जिसमें लगभग सुबह 8 बजे के करीब देवेंद्र फडणवीस ने सीएम पद की शपथ ली। रातों रात महाराष्ट्र में बाजी पलट गई। महाराष्ट्र में एनसीपी बीजेपी का सबसे बड़ा उलटफेर सामने आया है। देवेंद्र फडणवीस ने दूसरी बार सीएम पद की शपथ ली है, साथ ही अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने यह शपथ दिलाई है। सुबह लगभग 8 बजे के करीब देवेंद्र फडणवीस ने सीएम पद की शपथ ली। रातों रात एक गेम चेंजिंग डिसीजन सामने आया है। अमित दुबे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। जी अमित, रातों रात एक बड़ा गेम चेंजिंग डिसीजन सामने आया है, जबकि कल तक अभी एनसीपी की बैठक चल रही थी शिवसेना और कांग्रेस के साथ। जी बिल्कुल, देखिए खास तौर पे बीजेपी जिस तरह से शांत बैठी थी उसे देख के ऐसा बिल्कुल नहीं खास तौर पे लग रहा होगा, चाहे वो शिवसेना हो या कांग्रेस हो, कि इस तरह की खिचड़ी पक रही है। लेकिन जो
बैकडोर में जिस तरह से अमित शाह ने बोला था साफ तौर पे कि बीजेपी का ही सीएम होगा और देवेंद्र फडणवीस ही सीएम होंगे, तो जाहिर तौर पे उसके पीछे ये रणनीति कहीं ना कहीं नजर आ रही थी जो अब दिख रही है। जिस तरह से खासतौर देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ ली है या अजीत पवार जो है वो डिप्टी सीएम के तौर पे शपथ ली है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की अंदरूनी रणनीति जिसे लेके साफ तौर पे अमित शाह जाने जाते हैं, आज दोनों के सीएम और डिप्टी सीएम की शपथ लेते ही चीजें सामने आई है। जी मैं ये कह अमित, जैसे कि अभी हम देख रहे थे, क्या ये ऐसा नहीं लगता है कि अब राजनीति सिर्फ अवसरवादी पर टिक गई है आकर के, क्योंकि कल अभी जहां शरद पवार और आज अजीत पवार जो शरद पवार के भतीजे हैं, आज उन्होंने डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली है फडणवीस सरकार में। जी बिल्कुल, साफ तौर पे एनसीपी, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि शिवसेना कांग्रेस या एनसीपी, अगर तीनों जब तक तीन में से कोई एक पार्टी बीजेपी का नहीं जाएगी तब तक सरकार बनना जो है वो पॉसिबल नहीं था, और यही वजह थी कि अंदर कहीं ना कहीं जिस तरह से महाराष्ट्र की रणनीति खासतौर पर शिवसेना जो लगातार सोच रही थी कि सीएम जो है वो शिवसेना का होगा, संजय राउत का लगातार बयान, लेकिन बीजेपी की रणनीति के आगे कहीं ना कहीं शिवसेना फेल हुई है पूरी तरह से। और दूसरी सबसे बड़ी बात की जिस तरह से अजीत पवार ने रातों रात जो है वो डिप्टी सीएम की शपथ ली है, अभी तक हालांकि जो आधिकारिक रूप से शरद पवार का बयान नहीं आया, लेकिन जाहिर तौर पे अंदर खाने में जो खिचड़ी पक रही थी रिसेंटली, अभी कुछ दिन पहले ही शरद पवार खुद जो है वो प्रधानमंत्री से मिले थे, उसके भी कई मायने निकाले जा रहे थे, लेकिन जिस तरह से शायद अभी जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ है शिवसेना ने सोचा भी नहीं होगा। जी अमित, जैसा कि अभी हम लोग देख रहे थे कि अभी बहुत ही शांतिपूर्ण से ये शपथ ले लिया गया, और शपथ लेने से पहले राष्ट्रपति शासन महाराष्ट्र में हटा दिया गया, मतलब कानों खान खबर तक नहीं लगी जहां पर उद्धव ठाकरे सीएम पद के शपथ लेने के सपने देख रहे थे, और वहीं सुबह होते होते 8 बजे फडणवीस ने शपथ ले लिया। तो अब इस पर क्या कुछ रिएक्शन हो सकता है शिवसेना का, कांग्रेस का? देखिए, सबसे बड़ी चीज कि महाराष्ट्र को सरकार मिली है, देवेंद्र फडणवीस जो है वो मुख्यमंत्री बने, क्या रिएक्शन होगा, प्रतिक्रियाएं जो जिस तरह से विपक्ष की आती है तो जाहिर तौर पर प्रतिक्रियाएं आएंगी, इस बात को एनसीपी की समर्थन को लेके भी सवाल उठ सकते हैं, लेकिन इसमें कोई नई बात नहीं है। पिछली बार जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने थे तो उस टाइम भी बीजेपी कहीं ना कहीं अल्पमत की सरकार बनी थी, शिवसेना साथ नहीं थी, एनसीपी ने वॉकआउट करके एक तरह से अपनी रजामंदी जो है वो बीजेपी दी थी, तो बीजेपी और एनसीपी जिस तरह से साथ में आया तो इसमें कोई नया नहीं, इस चीज के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि जो चीजें जो है वो इतनी जल्दी सामने आ जाएगी। लेकिन अब चूंकि खासतौर पे जो बात लगातार शिवसेना कर रही थी, पहले जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया था तो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही, लेकिन विधानसभा में बहुमत सबसे जरूरी है आंकड़े, विधानसभा में बहुमत सिद्ध करना होगा, और आंकड़े जिसके पास में है, आंकड़ों की ही कारीगरी होती है, और आंकड़े जिसके पास में होते हैं उसकी सरकार होती है, उसमें कोई दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता, लोकतंत्र की ही एक अपनी खूबसूरती दिखाती है। जी अमित, जैसा कि सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है शिवसेना के कुछ विधायक संपर्क में है, देखिए लगातार इन चीजों के कयास लगाए जा रहे थे कि शिवसेना के विधायक जो है वो संपर्क में है, कांग्रेस के विधायक भी कुछ संपर्क में है, और सबसे बड़ी चीज यही एक वजह कहीं ना कहीं शिवसेना को लग रहा था, और इसी वजह से शिवसेना ने अपने विधायकों को बाहर ना जाने के की बात कही थी, और सब सारे विधायकों को कल ही मातोश्री में उद्धव ठाकरे ने बुलाया और उसके बाद उन्हें अपनी रणनीति से भी आगाह किया, और शिवसेना कहीं ना कहीं विधायकों को बाहर ले जाने की तैयारी भी कर रही थी। लेकिन इस बीच जिस तरह से महाराष्ट्र में सरकार का जो गठन हुआ, देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री बने, शायद उद्धव ठाकरे ने सोचा भी नहीं होगा कि बीजेपी इतनी जल्दी अपनी रणनीति को इस तरह से अंजाम दे देगी। जी अमित, अजीत पवार के साथ साथ 22 विधायकों ने ये साथ दिया है, ये समर्थन दिया है, तो ये क्या कुछ हो गया अचानक से, इस पर क्या है पूरी जानकारी, मतलब क्या कुछ मिल पाया था, कुछ पता चल पाया था अचानक से, सुबह होते 8 बजे शपथ ग्रहण हो गया?
देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि अजीत पवार जो है वो शरद पवार के भतीजे हैं और बड़े नेता के जाहिर तौर पे उनका जिस तरह से वो डिप्यूटी सीएम बने हैं तो एक गुट जो है वो अन्य विधायक जीत क्या है उसमें ज्यादातर विधायक जो है कई बार शिवसेना और बीजेपी में इस बात को लेकर खींचतान हुआ है कि कौन विधायक किसके साथ है। तो बीजेपी ने पहले ही कहा था कि ज्यादातर विधायक जो है जो निर्दलीय या छोटे दलों जीत के आए हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के समर्थन में है और वो जो विधायक है उनका समर्थन भी कहीं ना कहीं बीजेपी ने अंदर खाने में हासिल कर लिया होगा, उन लोगों से बात हो गई होगी। तो जाहिर तौर पे अब क्योंकि जब शपथ ली गई है तो जब विधानसभा में खासतौर पे बहुमत पेश किया जाएगा तो वहां पे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। दूसरा ये जी अमित हम आपसे फिर जुड़ेंगे और फिर जानकारी लेंगे। इस समय हमारे साथ अरविंद विद्रोही जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। जी अरविंद, क्या से क्या हो गया? कल तक तो एनसीपी शिवसेना और कांग्रेस के साथ बैठक कर रही थी, सुबह डिप्टी सीएम की शपथ ले लिया शरद अजीत पवार ने। जी गुड मॉर्निंग, कल संजय राउत ने फिर एक बयान दिया था कि सबसे बड़े चाणक शरद पवार हैं। अब शरद इनको संजय राउत को समझ में आना चाहिए कि राजनीति में बोलना कम और करना ज्यादा चाहिए, जो कि अमित शाह, नितिन गडकरी, पूनम महाजन ने बॉम्बे की पॉलिटिक्स में करके दिखा दिया। ये नहीं भूलना चाहिए था संजय राउत को कि बाला साहब ठाकरे ने जीवन में कभी भी चुनाव नहीं लड़ा, कोई संवैधानिक पद नहीं लिया और उन्होंने एक तरह से बाला साहब ठाकरे की आत्मा को दुखाने का काम बाला साहब ठाकरे के लड़के और पोते और उनके लोगों ने किया है। जी अरविंद, रातों रात एक गेम चेंजिंग डिसीजन सामने आ गया, सुबह 8 बजे फडणवीस का शपथ ग्रहण हो गया। अरविंद, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। यही कर राजनीति में अंदर ही अंदर बात चल रही थी, पवार, नितिन गडकरी, अमित शाह और भाजपा के रणनीतिकार बात कर रहे थे। अरविंद हम आपसे फिर जुड़ेंगे, फिर जानकारी लेंगे। इस समय हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जुड़े हुए, कांग्रेस मीडिया प्रभारी जुड़े हुए हमारे साथ। जी सुरेंद्र जी, रातों रात एक गेम चेंजिंग डिसीजन सामने आया, आपके सपनों पर तो पानी पड़ गया, सुबह 8 बजे देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ले लिया सीएम पद की। हमने कब कहा था कि हम सरकार बनाएंगे? देवेंद्र फडणवीस ने सरकार बनाई, उनको बधाई। एनसीपी ने सरकार तो चली रहे थे लगातार, आगे भी चलते रहते। एनसीपी की, कांग्रेस, शिवसेना सभी मिलकर के बैठक तो कर रहे थे आप लोग, मुंबई में कल बैठक की गई थी आप लोगों की। हमने कभी भी शिवसेना के साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष कोई बैठक नहीं की है, आप थोड़ा सा उसको जानकारी लीजिए। शिवसेना के साथ एनसीपी बात कर रही थी, हमने कभी भी सरकार बनाने का ना दावा किया और ना ही हमारा किसी नहीं। तो इस बैठक का क्या मतलब था फिर सुरेंद्र जी? अगर सरकार नहीं बनाना चाह रहे थे तो शिवसेना और एनसीपी के साथ मिलकर बैठक तो लगातार कर रहे थे। हमारी शिवसेना से कोई बैठक नहीं हुई है, मैं आधिकारिक रूप से कह रहा हूं, अगर आपको जानकारी नहीं है तो इसको दुरुस्त करें। शिवसेना से एनसीपी बैठक कर रही थी, शरद पवार जी बैठक कर रहे थे। अब शरद पवार को और नरेंद्र मोदी जी को बताना होगा कि आखिर ये कारण क्या है। जी सुरेंद्र जी, एनसीपी और कांग्रेस तो लगातार बैठक कर रही थी ना शिवसेना को समर्थन देने के लिए, शिवसेना को मुख्यमंत्री पद पर लाने के लिए आप लोग समर्थन तो लगातार दे रहे थे, बैठक तो कर रहे थे। कभी आपने एक भी बयान जरा मुझे बता दीजिए कांग्रेस का कि जिसमें कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने? लगातार चल रहा था मीडिया में, लगातार चल रहा था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, लगातार हम लोग बता रहे थे, दिखा रहे थे। तब आप लोगों ने नहीं आकर के कहा कि नहीं कांग्रेस नहीं चाहती है, शिवसेना को समर्थन नहीं दे रही, तब आपने ये बात नहीं कहा? मीडिया अगर कल की डेट में ये कह दे कि के न्यूज पाकिस्तानी हो गया तो लोग आप के न्यूज इंडिविजुअली इस तरीके से नहीं कह सकते। लगातार हर मीडिया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, लगातार ये कह रहा था कि कांग्रेस और एनसीपी के बैठक के दौर चल रहे हैं शिवसेना को सपोर्ट करने के लिए। तब तो आप में से कोई नहीं आया और ये कहने के लिए कि नहीं ये खबर आप गलत चला रहे हैं। जो मीडिया के लोग चला रहे थे आप उनसे पूछिए, हमने हमेशा खंडन किया है, लेकिन आप लोग जानना नहीं चाहते हैं, आप लोग मानना नहीं चाहते हैं। हम तो इसीलिए तो कह रहे हैं सुरेंद्र राजपूत जी, क्योंकि आपके सपनों पर पानी फिर गया है, रातों रात बाजी पलट गई, सुबह 8 बजे फडणवीस ने शपथ ले लिया, अब आपके सपनों पर पानी फिर गया, तमाम चीजें पलट गई, आपके पक्ष से निकल गई, तो अब आप इस तरीके की बात कर रहे हैं, अब आप मीडिया पर आरोप लगा रहे कि हमने गलत खबरें चला दिया।
हमारे सपनों को आप चिंता न करें, आप अपने सपनों की चिंता करें, और सबसे बड़ी बात जो है जी जी, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका जी जी। तो इस समय हम आपको खबर दिखा रहे हैं महाराष्ट्र से, जहां रातों रात महाराष्ट्र की बाजी पलट गई। शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने डेप्यूटी सीएम पद की शपथ ले ली और देवेंद्र फडणवीस ने दूसरी बार सीएम पद की शपथ ली है। लगभग सुबह 8 बजे के करीब के 8 बजे शपथ ली। हमारे साथ अरविंद विद्रोही वापस से जुड़े हैं। जी अरविंद, हम थे यहां पर, रातों रात एक गेम चेंजिंग डिसीजन सामने आ गया है। अब फडणवीस ने 8 बजे शपथ ले ली है और कांग्रेस बिल्कुल साफ मना कर रही है कि हमने तो कोई बैठक किया ही नहीं, हम तो शिवसेना को सपोर्ट ही नहीं कर रहे थे। नहीं नहीं, कांग्रेस का भी मैं सुन रहा था, सुरेंद्र राजपूत जी बड़े भाई हैं, मित्र हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं सच्चाई से मुंह छुपा रहे थे। महाराष्ट्र की राजनीति में संजय निरुपम कांग्रेस के एकमात्र नेता थे जो खुल के विरोध कर रहे थे, बाकी जो है सारे लोग सरकार बनाने की कवायद कर रहे थे। खड़गे मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा बड़ा नाम आज बॉम्बे भेजा जा रहा था सरकार गठन को लेकर के बात करने के लिए कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से, केवल संजय निरुपम महाराष्ट्र की राजनीति में कांग्रेस के एकमात्र नेता थे जो शुरू से कह रहे थे कि हमको शिवसेना के साथ नहीं जाना चाहिए, बाकी सब लोग मन बना रहे थे कि किसी तरह जी, ये बैठक तो सोनिया गांधी के घर तक भी तो पहुंच गई थी कि बैठक होगी और हम लोग शिवसेना को सपोर्ट करेंगे। जी बिल्कुल, मल्लिकार्जुन खड़गे को सोनिया जी के ही निर्देश पर आज बॉम्बे आना था, वो खुद अपने मन से नहीं आ रहे थे, वो उनको ही आना था, लेकिन अब चूंकि राजनीति में जो है होता क्या है कि जो लोग बोलते ज्यादा हैं रणनीति के पहले वो असफल हो जाते हैं, और संजय राउत जो बार बार बोल रहे थे पर बोलापन उनका जो है उसने कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस को भी जो है संकट में डाल दिया है। अब कांग्रेस के लोग यही कहेंगे कि हमारे तरफ से कोई बयान नहीं था, लेकिन उनके ऊपर संकट आया, इसीलिए जो है मदनी को भी चिट्ठी लिखनी पड़ी थी अभी 3 दिन पहले कि आप शिवसेना के साथ ना जाइए। जी जी, तो अरविंद शुक्रिया, अरविंद विद्रोही जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो हम आपको खबर महाराष्ट्र से बता रहे हैं जहां पर रातों रात गेम चेंजिंग डिसीजन देश के सामने आया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया।